हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से एकदम टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, जिसे देखते ही आपका भी मन करेगा बनाने का। और ये बहुत हेल्दी है, इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें अब मैं 2 चम्मच ऑयल ले लूँगी। अब इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे, उसे हम चला लेंगे और हम गैस फ्लेम मीडियम पे रखेंगे। अब इसमें मैं 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। अब इसमें मैं थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक और कुटी हुई लहसुन डाल दूंगी और इन्हें भी इसके साथ मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़े से मसाले डाल देते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक लेंगे और 1/2 चम्मच पाव भाजी मसाला, जिससे खाने का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। अब इसमें हम 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, जिससे कि हमारा नाश्ता एकदम चटपटा और टेस्टी बने। अब इसे हम चला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा किचन किंग मसाला ले लेंगे, जैसे कि 1/4 चम्मच। अब इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं 4 उबले हुए आलू लूँगी, जिसे मैंने ग्रेट करके रख लिया था, उसे इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसे आलू की जगह मैगी के साथ भी बना सकते हैं। आलू के साथ भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, इस तरीके से ज़रूर बना कर देखिएगा आप। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़े से धनिया पत्ता डाल दूँगी और इसे और चटपटा करने के लिए इसमें 1/2 नींबू का जूस मिला दूंगी। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब हम गैस फ्लेम बंद कर देते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे, जिसमें मैंने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है और 1/2 कप मैदा लेंगे। आप चाहे तो इसे पूरे गेहूँ से या फिर पूरे मैदे से बना सकते हैं। अब इसमें मैंने 1/2 चम्मच नमक ले लिया है और 1 चम्मच तेल ले लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बनाएंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। देखिए इस तरीके से इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। हमें इसे ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला करना है, इस हिसाब से हो बस। अब इसमें से मैं थोड़ा सा बैटर निकाल के रख देती हूँ साइड में, वो आगे हमें काम आएगा, मैं आगे आपको बताऊँगी। अब हम आलू के मिश्रण को लेंगे जो ठंडा हो चुका है और उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब इसमें से छोटे छोटे बॉल्स निकाल के उसे हम शेप दे देंगे लंबाई में। इस तरीके से बना करके हम रख लेंगे। अब मैं दूसरा भी आपको बना कर दिखा रही हूँ, ये देखिए। इसी तरीके से हम सारों को बना लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और एक छेद वाली छन्नी ले लेंगे, जिसे मैंने कढ़ाई पर उल्टा करके रख दिया है। अब हमारे पास क्लीन रैप नहीं है, तो हम एक प्लास्टिक की थैली ले लेंगे, जो आपको लोकल शॉप में आराम से मिल जाती है, जिसमें हमें लोकल शॉप वाले सामान करके देते हैं वो वाला। उसे हम साइड से कट कर लेंगे और उसे हम छन्नी पर लगा देंगे। अगर आपके पास टूथपिक है तो टूथपिक, या फिर अगरबत्ती का जो लास्ट का सिरा बचा होता है ना लकड़ी का, उससे हम इसमें छेद कर लेंगे। कम से कम इसमें हमें 10 से 15 छेद करना है। अब उस थैली को हटा करके थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, जिससे कि हमारी वो थैली अच्छे से चिपक जाए और वो वहाँ से हिले नहीं। देखिए इस तरीके से मैंने इसे ऐसे जुगाड़ करके बनाया है। आप भी ट्राई करिए, इससे आपके पापड़, आप जो चाहे इस पर भाप दे के बना सकते हैं इस तरीके से। और आपको पहली बार में इस पर ऑयल ग्रीस करना होगा, इसके बाद हमें ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम गैस फ्लेम ऑन कर देंगे, पानी गर्म हो चुका है। अब हम बैटर को लेंगे और इस पर डाल देंगे। जैसे हम डोसा फैलाते हैं ना, उसी तरीके से हमें इसे फैला लेना है। अगर कहीं छूट जाए तो वहाँ पे बैटर डाल दीजिए। देखिए कुछ ही सेकेंड में सूख गया है। अब इस शीट को हम एकदम आराम से निकाल सकते हैं। जब शीट निकाले तब आप गैस फ्लेम स्लो कर दें, ताकि उसका भाप आपके हाथों पे ना लगे। इसी तरीके से हम बाकी शीट को बना लेंगे। देखिए ये शीट बहुत अच्छे से बनकर निकल जाती है। आप इस नाश्ते को बड़े बड़े होटलों में
बड़ी महंगी प्राइस में खाते हैं, और आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं, अपने बच्चों को अपनी फैमिली को खिला सकते हैं, और ये बहुत जल्दी से बन जाती है। देखिए कितने आसानी से बन गए हैं ये। इस तरीके से मैंने सारे शीट्स को तैयार कर लिया है, देखिए कितने अच्छे से बन चुके हैं ये। चलिए अब हम इसमें आगे की फिलिंग करते हैं। मैंने एक शीट ले लिया है, उस पर जो हमने आलू का मसाला बनाकर रखा था उसको रख देंगे बीच में, और जो मैंने वो साटा बना के थोड़ा सा रखा था ना बचा करके, देखिए उसे हम इस तरीके से फैला देंगे चारों साइड में, जिससे कि अच्छे से चिपक जाए और ये खुले नहीं। इसे हमें आराम से करना है क्योंकि ये जल्दी से टूट जाते हैं, क्योंकि इसमें गेहूं का आटा है, इसीलिए अगर आप इसे मैदे से बनाएंगे तो ये नहीं टूटेगा, पर इसमें गेहूं का आटा होने की वजह से ये टूट जाते हैं, इसीलिए संभाल करके बनाइए। देखिए मैंने पहला रोल तैयार कर लिया है इस तरीके से, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये। अब इसे हम एक प्लेट में रख देंगे, और दूसरा भी मैं आपको दिखाती हूँ भर करके। देखिए इसी तरीके से हम दूसरा भी भर लेंगे, ये देखिए। अब इसे हम फैला देंगे, ये बहुत आसान रेसिपी है और इसे आप कभी भी घर पे बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। देखिए इस तरीके से हमने इसे भी फोल्ड कर लिया है, अब इसे हम प्लेट में रख देंगे। मैंने पैन में पहले से ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, देखिए ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें मैं एक एक करके नाश्ता डाल दूंगी, हमें ज़्यादा नाश्ता नहीं डालना ताकि वो आपस में चिपके नहीं। देखिए कितने अच्छे से इसका कलर आ चुका है, इसी तरीके से हमें इसे फ्राई करना है। ये बहुत कुरकुरे बनते हैं और खाने में इनका स्वाद तो बहुत गजब आता है। होटलों में महंगी महंगी रेसिपी मिलने वाली, आप उसे घर पे आसानी से बना सकते हैं और खा सकते हैं, पूरे परिवार को भी खिला सकते हैं, सबको ये बहुत पसंद आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे स्प्रिंग रोल को फ्राई कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ, सुनिए इस कितनी कुरकुरी बनी है ये। ऊपर से कुरकुरी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है, देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, ये देखिए, और कितना अच्छा कलर आया है इन पे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के